हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर एसपी ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कि मोबाइल का पैटर्न अनलॉक कैसे करें। अभी तक आपने बहुत सारे पैटर्न अनलॉक करने की ट्रिक्स देखी होगी या सुनी भी होगी, तो उससे मोबाइल के फ़ोन के अंदर जो भी डाटा रहता है वो सारा डिलीट हो जाता है, मीन सारा डाटा करप्ट या उड़ जाता है। तो आज हम ऐसी ट्रिक्स देखेंगे कि जिसके थ्रू हमारा मोबाइल डाटा उड़ेगा नहीं, मतलब एक भी कोई भी डाटा लॉस नहीं होगा हमारा। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले आपको एक फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, एरोमा फाइल मैनेजर। इसकी लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको इसके लिए एक एसडी कार्ड चाहिए, मतलब मेमोरी कार्ड, जिसमें आप अपनी एरोमा फाइल है जो उसमें सेव करके रखिएगा। इसके बाद आपको फ़ोन रिकवरी मोड में ले जाना होगा, तो उसके लिए देखते हैं फ़ोन को रिकवरी मोड में कैसे ले जाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो मेरे फ़ोन को अभी स्विच ऑफ करता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं पहले स्विच ऑफ करने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि मेरे मोबाइल में पैटर्न डला है या नहीं डला है। तो आप देख सकते हो मेरे मोबाइल में ये वाला पैटर्न डला हुआ है। तो हम इसको अभी ब्रेक करेंगे या इसको अनलॉक करना सीखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं मेरे फ़ोन रिबूट होने के बाद। हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं मेरे मोबाइल को रिकवरी मोड में ले जाता हूँ। तो हर मोबाइल को रिकवरी मोड में ले जाने के लिए अलग अलग प्रोसेस होती है। तो मेरे मोबाइल के लिए पहले मैं वॉल्यूम ऑफ, डाउन और फिर पावर की साइमल्टेनियस प्रेस करता हूँ। ठीक है, मेरे यहाँ पे दो ऑप्शन खुल गए, वॉल्यूम ऑफ से होगा रिकवरी मोड और वॉल्यूम डाउन से फैक्ट्री मोड। तो मेरे को जाना है रिकवरी मोड में, इसलिए मैं वॉल्यूम ऑफ की बटन प्रेस कर रहा हूँ। हाँ देखिए, मेरा रिकवरी मोड ओपन हो चुका है। अब आपको इसके बाद इंस्टॉल जीप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको जीप फाइल चूज करनी होगी। तो इंस्टॉल जीप फ्रॉम स्टोरेज एसडी कार्ड्स, ये मेरी एरोमा फाइल में जो मैंने डाउनलोड की थी ये फाइल यहाँ पर रखी गई है। तो मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ, इंस्टॉल एरोमा। ठीक है, मेरी फाइल इंस्टॉल हो चुकी है। तो आपको इस टाइप से कुछ व्यू दिखेगा, जिसके बाद से आपको इसकी सेटिंग में जाना होगा। तो मैं इसको देखता हूँ यहाँ ओपन कैसे होती है, इसको ऑपरेट करने के कुछ। ठीक है, इसको आप की से भी ऑपरेट कर सकते हो, टच से भी ऑपरेट कर सकते हो। इसके बाद आपको इसकी सेटिंग में जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को सेटिंग ओपन करनी है। तो मेनू की प्रेस करके यहाँ पे मैं सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग की प्रेस की मैंने, जिसके बाद आपको ये ऑटो माउंट ऑल डिवाइस वाला जो ऑप्शन है इसको आपको ऑन करना होगा। ठीक है, ये मैंने ऑन कर दिया, जिसके बाद आपको डन पे क्लिक करना होगा। डन हो चुका है, जिसके बाद आपको फिर से जो अभी हमने प्रोसेस की थी इंस्टॉल जिप वाली, और फिर से एक बार और अप्लाई करनी होगी। तो इसके लिए पहले तो मैं मेरे फ़ोन को वापस जहाँ रिकवरी मोड पे था वहाँ पे ले जाता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं वापस ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ पहले तो। ठीक है, मैंने एग्जिट हो गया, यस। मैं वापस मेरे उसी मोड पर आ चुका हूँ। आपको फिर से जो अभी आपने इंस्टॉल जिप वाली प्रोसेस की थी एक बार फिर से अप्लाई करनी होगी। तो मैं वापस यहाँ पे मेरी जो जिप फाइल थी वो चूज़ करता हूँ, इंस्टॉल जिप फ्रॉम स्टोरेज से। ये रखी मेरी फाइल, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ।
अब इसके बाद मेरे को जाना होगा इसके डाटा फोल्डर में। डाटा फोल्डर के बाद मुझे इसके सिस्टम फोल्डर में जाना है। सिस्टम, यहाँ सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना होगा आपकी गेस्चर की वाली फाइल, तो आप नीचे जाइए। तो आप देख सकते हो ये रखी मेरी गेस्चर की वाली फाइल, और यदि आपने पासवर्ड डाला होगा, इस गेस्चर आपके पैटर्न के लिए होता है, और यदि पासवर्ड डाला होगा तो पासवर्ड की फाइल भी यहीं रखी होगी। देख लेते हैं हम एक बार, सॉरी क्योंकि मेरे मोबाइल में पैटर्न डाला हुआ था इसलिए उसमें पासवर्ड वाली फाइल नहीं है, उसकी गेस्चर वाली फाइल रखी हुई है। यदि आपके मोबाइल में पासवर्ड डाला हुआ होगा तो पासवर्ड डॉट की करके एक फाइल रखी होगी। तो जो भी मेरे मोबाइल में ये पैटर्न डाला हुआ था, तो मैं मेरी गेस्चर वाली फाइल डिलीट कर देता हूँ। इसको सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको इसको डिलीट करना होगा। डिलीट करने के बाद क्या होगा, जो आपने जो गेस्चर डाला था, जो पैटर्न डाला था, वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सॉरी यार टच का टच नहीं चलता है, ठीक है। यस पे क्लिक करना होगा इसके बाद, यस, ठीक है। आपका अब जो पैटर्न डाला था वो डिलीट हो चुका है। अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस मेरे सिस्टम को रिबूट कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा बटन ये अनलॉक हो चुका है। जो भी मेरी गेस्चर वाली फाइल थी वो डिलीट हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे आप बटन पूछ ही नहीं रहा है ये। तो इस तरह से आपका बटन अनलॉक कर सकते हैं बिना डाटा लॉस हुए। अब मैं दिखा देता हूँ कि मेरा डाटा लॉस हुआ या नहीं हुआ। ये रही मेरी फ़ोन मेमोरी, मेरी फ़ोन मेमोरी में जो भी डाटा रखा था ये सारा डाटा रखा हुआ है, और SD कार्ड का तो ऑब्वियसली है ही। तो इस तरीके से आप बिना डाटा लॉस किए भी मोबाइल का पैटर्न अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों जाहिर है वीडियो आपका ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो आपको अभी यदि मोबाइल आपका अनलॉक हो जाता है तो आपकी बहुत हेल्प करता है। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।